हे गाइस, वेलकम टू सिंह चैनल। तो गाइस, बहुत बड़ी अपडेट आ रही है कजुजी कोकाटा से, सीएम पंग से, कोडी रोड से, हमारी टीएनए नॉकआउट वुमेन चैंपियनशिप से और गाइस सोलो से भी आ रही है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। तो गाइस, फर्स्ट वीडियो मैंने बताया कि कैसे जेरो न्यूज़ ने ट्वीट किया कि व्हाट द स्मेल द रॉक इज कुकिंग। तो गाइस, इसका क्या मतलब कि रॉक आने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये अपडेट तो आ रही है कि रॉक जो है वो होस्ट कर सकते हैं रेसलमेनिया को। इवन जो उनके फ्रेंड है, आपको पता है जुमांजी मूवी में आए थे, वो भी केविन हर्ट, वो भी कर सकते हैं होस्ट। लेकिन रॉक के आने के चांसेस हैं, या तो वो होस्ट करेंगे या तो एक वो छोटा सा मैच देंगे, जैसे उन्होंने एक मैच दिया था, आपको पता ही है, ब्रे वाइट फैमिली के साथ। तो गाइस, कुछ ना कुछ तो हो सकता है। जो रॉक अगर रेसलमेनिया में आते हैं तो वो सरप्राइज एंट्रेंस दे सकते हैं, लाइक रॉयल रंबल में तो मान के चल रहे थे लेकिन आए नहीं। लेकिन गाइस, वो आ सकते हैं, कुछ पता नहीं है सिचुएशन का। तो नेक्स्ट अपडेट जुड़ी है कच्चूजी का ओकाडा से। कच्चूजी का ओकाडा गाइस बन चुके हैं फ्री एजेंट। अब वो टीएनए में जाते हैं, एडब्ल्यू में जाते हैं या फिर आते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू में, पता नहीं। बाकी कई प्लेयर्स का कहना ये है कि वो टॉकिंग में थे, बातों में थे डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ, मतलब टॉकिंग में थे कि हाँ वो आ सकते हैं। लेकिन गाइस, जब तक बंदा आता नहीं तब तक हम कुछ कह नहीं सकते। बाकी यार, अपडेट्स हैं तो आ रही हैं तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, कहीं मान रहे कि वो साउथ अफ्रीकन रॉलेंस को फेस कर सकते हैं, लेकिन गाइस अगर आते भी हैं कच्चूजी का ओकाडा तो वो साउथ अफ्रीकन रॉलेंस को सीधा फेस करने नहीं जाएंगे, क्योंकि यह पहले उन्हें बिल्ट तो किया जाएगा, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू में आ रहे हैं, कोई भी कंपनी से आ रहा तो उससे पहले बिल्ट किया जाता है। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी गाइस सीएम पंग कोडी रोड से। सीएम पंग ने कोडी रोड को कहा कि फिनिश योर स्टोरी। एंड गाइस, वो इंस्टाग्राम पर उन्होंने वीडियो पोस्ट की डब्ल्यू ने अपने हैंडल पे, जिस पे सीएम पंग इमोशनल हो गए, कहते हैं फिनिश योर स्टोरी एट रेसलमेनिया। एंड गाइस, इसी से एक अपडेट आ रही है कि क्या सोलस को बिट्रे कर सकते हैं रोमन रेंस को। फर्स्ट ऑफ ऑल यार, अभी नहीं ये बिट्रे करेंगे, अभी तो भाई साहब उनके साथ ही रहेंगे, ट्राइबल एयर बनाए, अभी नहीं होगा बिट्रे वाला सिस्टम जो मान रहे हैं। कई रूमर आ रहे हैं कि सोलस को रोमन रेंस को फेस कर सकते हैं एट एलिमिनेशन चैम्बर, तो यार नहीं होगी ये चीज़ भी, क्योंकि इतनी जल्दी रोना डरूली कर देगी यार, अभी टाइम ही कितना हुआ, ये क्या एक दिन में स्टोरी लाइन चेंज कर देगी, ऐसा नहीं होगा, टाइम लगेगा थोड़ा सा। सोलो सिकोवा ने अपना अकाउंट डिलीट कर दिया है भाई साहब, डीएक्टिवेट कर दिया, क्योंकि उनके ट्वीट वायरल हो रहे थे जिसमें उन्होंने लिखा था आई हेट मैथ, आई हेट हिस्ट्री। तो भाई साहब, उन्होंने मतलब उनकी वीडियोस भी वायरल हुई थी जिसमें वो डांस कर रहे थे मजाकिया अंदाज में। लेकिन गाइस, सिंपली बात यही है कि सोलो सिकोवा अभी बिट्रे नहीं करेंगे, टाइम पड़ा है अभी। सोलो सिकोवा का रैंडी ऑर्टन के साथ हो सकता है, मतलब उनका चल सकता है नेक्स्टली अभी, लेकिन बाकी आप मान के चलो सोलो स्क्वायर रोमन रेंज नहीं होगा। एलिमिनेशन चैम्बर में रोमन रेंज आ सकते हैं, लेकिन कोई कंफर्मेशन नहीं है कि रोमन रेंज आएंगे एलिमिनेशन चैम्बर, क्योंकि सीएम पंग इंजर्ड हो चुके हैं एंड ट्रिपल एच चाहते हैं कोई बड़ी स्टार पावर आए तो सीएम पंग भी हमारे रोमन रेंज आ सकते हैं। लेकिन गाइस, रॉक देखो आ सकते हैं या नहीं, बाकी मैं कह नहीं सकता, बाकी यार कुछ भी हो सकता है, सरप्राइजली एंट्री कोई भी ले सकता है। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी है गाइस, वो जुड़ी है टीएनए नॉकआउट वुमेन चैंपियन। तो वो है रॉयल रंबल में वो आई थी। तो गाइस, पैट मैकफी को पता ही नहीं था कि कौन है वो ग्रेसन जॉर्डन, उन्होंने नहीं पता था एंड उन्होंने कहा कि बहुत टैलेंटेड है, बहुत बेस्ट है ग्रेसन जॉर्डन एंड ही इज़ अ परफेक्ट रेसलर। भाई साहब, जो उन्होंने पाइवन नेवल के साथ, मतलब जो उनका देखा गया था ना, जिससे बुकर टी ने भी अप्रिशिएशन दिया, सबने अप्रिशिएशन दिया। एंड गाइस, आपको पता ही है टीएनए मर्च हो चुकी है टीकेओ एंडेवर में, तो गाइस कुछ भी हो सकता है। बाकी यार मेरे अकॉर्डिंग तो यार अभी नहीं, अभी वो टीएनए के साथ कॉन्ट्रैक्ट में है, तो वो आएंगी बाद में, अभी नहीं आएंगी, अभी आप मान के चलो नहीं आ सकती। तो गाइस, ये अपडेट थी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना। एंड गाइस, आप तो गाइस आपको लगता है क्या सोलो स्क्वा बिट्रे करेंगे अभी रोमन रेंज को, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू यार इतनी जल्दी नहीं करने वाली ये काम कि आप जो सोच रहे हैं कि रोमन रेंज बिट्रे कर देंगे सोलो स्क्वा, क्योंकि यार जिमी उसो जे उसो ने बिट्रे एक साल के बाद किया था जाके, लेकिन फिर से जिमी आगे ब्लड लाइन में और जे अलग चले गए। एंड जे ने ये कहा था अपनी स्टोरी लाइन में कि हाँ मैं अलग आ गया, तो मैं जब अलग आया, मैं जिमी और मैं अलग आए, तो जिमी और मुझे था कि हम सिंगल वर्क करेंगे तो हमें ऑडियंस रिएक्शन कैसे मिलेगा। और अब आप देख सकते हो जे को जो रिएक्शन मिलता है ना ऑडियंस का, भाई साहब उनके सॉन्ग पे अलग लेवल का होता है। एंड गाइस, सोलो को आप बीट्रे करेंगे या नहीं, अभी नहीं ये होगा यार, असल में नहीं, अब बात जो होना होगा। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल तो गाइस, कोडी वर्सेस हमारे सोलो का ही मैच होगा, एंड सॉरी कोडी वर्सेस रोमन का मैच होगा, एंड सोलो का रैंडी ऑर्टन के साथ मैच हो सकता है एट रेसलमेनिया। प्लान चेंज हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि गाइस
इंजरीज चांसेस आ चुकी हैं सीएम पंक को, आपको पता है सीएम पंक हो गए, हमारे सेथ रॉलिंस हो गए, उनको भी थोड़ी सी इंजरी है, तो इश्यूज है, बहुत सारी इंजरीज आ चुकी हैं जिसके कारण प्लान्स चेंज हो रहे हैं। क्योंकि अब तो सीएम पंक सेथ रॉलिंस का मैच होना था, तो वो गाइस प्लान चेंज हो चुका है पूरी तरीके से। इवन गाइस केविन ओवन इंजर्ड हैं, तो क्या कर सकते हैं। बाकी गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना। आप बताओ कमेंट में आप चाहते हो कि रॉक रसलमेनिया में आए एज अ होस्ट करने या उनके फ्रेंड केविन हर्ट आए। थैंक यू सो मच।